दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो बस भाई इस वीडियो में बने रहिए। और लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि स्ट्रीम लैब्स है। और इसको डाउनलोड करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने पर भाई कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो तीन प्लेटफॉर्म है, इसमें से दो तो आप अच्छे से जानते होंगे, फेसबुक एंड यूट्यूब, ठीक है। तीसरा शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और जिसको पता है तो वो तो जानता ही होगा। इसमें भाई ओनली गेमर्स लोग लाइव करते हैं, ठीक है। ओनली गेमिंग होती है इधर, गेमिंग के अलावा कुछ नहीं होता ट्विच पर। बाकी का आप डाउनलोड करके देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने की बात कर रहे थे, तो इस पर हमको टच मारना है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो जैसे ही हम यूट्यूब पर टच मारते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी मेल आईडी डालनी है जो भी आप यूट्यूब पर लॉगिन किए हुए हो, ठीक है, और जिस पर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो। तो मैं अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ, तो मैं इस मेल आईडी पर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता हूँ, और यही मेरी लॉगिन हुई है यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये लॉगिन करने के बाद आपने अपनी मेल आईडी का पासवर्ड डालना है इधर। तो भाई मैंने इधर अपनी मेल आईडी का पासवर्ड डाल दिया। और पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड भी आपने वही डालना है जो आप इस मेल आईडी में लगाए हुए हो, ठीक है। तो भाई वो मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब पासवर्ड डालने के बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा लॉगिन, और कुछ टाइम लेगा थोड़ा सा आपका, और ये आपका साइन इन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें से आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दो ये ओपन करके रखें, एक चैट बॉक्स एक अलर्ट बॉक्स। इनका मैं काम भी बता देता हूँ क्या होता है। चैट बॉक्स तो आप सभी जानते हो, जो भी आप यूट्यूब के नीचे चैट करते हो वो चैट आपको दिखेगी, बस वो होता है चैट बॉक्स। और अलर्ट बॉक्स आपको मैं बता दूँ, अलर्ट बॉक्स वो होता है जैसे कि किसी बंदे ने आपको सब्सक्राइब किया तो वो सब्सक्राइब पोकेमॉन जैसा ऊपर भागने लगता है या कुछ भी शो होने लगता है, तो वो बोलता है कि इस बंदे ने इसको अभी सब्सक्राइब किया है। तो बस वही होता है अलर्ट बॉक्स का काम, और कुछ नहीं होता है। बाकी का हम नेक्स्ट कर देंगे दो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद। और इसके बाद आपको आपको दिखेगा इनेबल कैमरा एंड माइक का, ठीक है। तो भाई आपने इसको ओपन करना है, जैसे ही आप इस पर टच मारोगे तो अलाउ कर देना है दोनों बार। और भाई अलाउ करने पर आपको ये आपका कैमरा खुल जाएगा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे पे टच नहीं मारना है हमको। हमको ये एरो आप देख रहे होगी कोने पर, इस पर टच मारना है अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर से ही तो स्ट्रीमिंग करोगे, तो भाई इधर टच मारना है। तो भाई अगर मैं स्टार्ट नाउ कर देता हूँ तो इधर मेरी स्ट्रीमिंग ऑफ हो जाएगी, तो मैं वहाँ नहीं करूँगा। आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है, बाकी का मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आपने भाई क्या करना है, आपने आप देख रहे हो इधर टच, ठीक है। जैसे ही आप इधर टच मारोगे तो आपको ये इसमें आपने क्या करना है, जो भी एडिटर है वहाँ पर टच मारना है, ठीक है। जो भी नहीं मतलब जो तीसरे नंबर पर एडिटर है यहाँ टच मारना है। जैसे ही आप टच करोगे तो आपको ये दो बॉक्स ओपन करते हुए दिखेंगे, आपको इस पर टच मारना है और इनको छोटा कर देना है ताकि आपको स्क्रीन पर ज़्यादा ना दिखे, ठीक है। तो कहीं पर भी आप रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है इस कोने पर ही रखो, आपकी इच्छा आप कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। और ये साइड में आप देख रहे होगे एक छोटा सा लेयर्स बना हुआ है ये कोने पे, ठीक है। तो आप इस पर जैसे ही टच मारोगे, ये प्लस वाले आइकन पर टच मारोगे, तो आपको ये तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो ऐड टेक्स्ट लिखा है, ऐड बिटजेस लिखा है, और ऐड इमेजेस लिखा है, ठीक है। तो ऐड बिटजेस पर जैसे ही टच मारोगे तो स्ट्रीमलैब बिटजेस करोगे, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये तो भाई जो भी डोनेशन वगैरह होता है, पेटीएम वगैरह नंबर मांगता है, उसके लिए सिलेक्ट करें, बाकी का आप खुद ही बना लेना वो बेटर रहेगा। और फिर से टैप मारेंगे ऐड टैक्स। तो भाई टैक्स में तो आप कुछ भी लगा सकते हो, अपने चैनल का नाम दे सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो। इस साइड में आप कहीं पर भी स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। ऐड इमेजेस में आप अपना ओवरले डाल सकते हो, देख सकते हो ओवरले, जैसे कि ये सिलेक्ट किया मैंने और इसको उठा के मैंने नीचे डाल दिया, ठीक है। तो ये जब भी आप YouTube पर ओपन करके दिखाओगे तो ये आपका शो करेगा, ठीक है। इधर मैंने लगा दी तो ये आपका शो करेगा इस कोने पे, ठीक है।
इसमें आप बहुत से लोग अपना पेटीएम नंबर वगैरह भी डाल देते हैं, तो बाकी का आपको वो खुद बनाना पड़ेगा जो भी आपको पेटीएम नंबर वगैरह डालना है, ठीक है। और ये अपने को मैंने बस एग्जांपल के थ्रू बता दिया, ऐसे हम इसको हटा देते हैं। और उसके बाद ये सारे लिंक्स करने के बाद आपने इधर टच मारना है राइट क्लिक पर, ठीक है, राइट के निशान पर। जैसे ही आप टच मारोगे ये आपके हो जाएंगी सेटिंग्स सेव और ये हो जाएगा ऑफ। अभी आपने क्या करना है, फिर से थ्री डॉट्स पर टैप मारना है और इसमें आपने क्या करना है, सेटिंग्स आप देख सकते हो रिमोट कंट्रोल के नीचे सेटिंग्स लिखा हुआ है, इधर टच मारना है, ठीक है। टच मारने के बाद अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, ठीक है। इसमें भाई आपने ये इनेबल करके रखना है अगर आपका इनेबल नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा ब्रॉडकास्टिंग सेटिंग्स का, ठीक है, ब्रॉडकास्ट सेटिंग का। जैसे आप इस पर टच मारोगे तो आपको इसको कुछ सेटिंग्स देखने को मिलेगा। इसमें आउटपुट रिजोल्यूशन, इसको आपने जैसे ही टच मारोगे तो आपका ये क्वालिटी बताएगा कितनी क्वालिटी पर आपको स्ट्रीमिंग करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 360, 480, 720, 1080 पिक्सल आप कितने भी पे जा सकते हो। अगर आप ज़्यादा पर जाओगे तो आपको नेट स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी का 720 पिक्सल आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। और एक्सट्रीम फ्रेम, ये भाई इम्पोर्टेंट है, आप 60 fps पर ही करना अगर आपका सपोर्ट करता है। और 30 fps वैसे बहुत से लोगों का फ़ोन में होता है, तो आप 30 fps मैक्सिमम रखना, बाकी का 60 fps अगर आप पे है तो भाई आप वहाँ पर सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। बाकी का आप इनको सिलेक्ट करने के बाद, मेरा 60 सपोर्ट करता है तो मैं 60 रख लेता हूँ। उसके बाद आपका मैक्स वीडियो बिटरेट है, इसको भी सिलेक्ट करके रखना। ये भाई आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूं, ये kbps आपको सबको पता होगा, किलोबाइट पर सेकंड, यानी कि 1000 MB, यानी कि 1 MB पर सेकंड में आपकी जाएगी अगर आप 1000 kbps रख दोगे तो। भाई क्वालिटी भी बहुत ही ख़तरनाक आएगी अगर 1 MB पर सेकंड जाएगी। बाकी का ये मैक्स वीडियो बिटरेट है और 3870 बाई डिफॉल्ट सिलेक्टेड आता है, आप इसको ही सिलेक्ट करने दे। अगर आप इससे कम करोगे तो क्वालिटी भी बिगड़ेगी ही और लैग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो भाई नेटवर्क स्पीड हुई स्लो और आपने कर दिया थोड़ा हाई बिटरेट तो भाई गए काम से, हो गया आपका स्ट्रीमिंग। और मेरे हिसाब से जैसा आता है वैसा ही आप रहने दें, ठीक है। ऑडियो में आप जाएँ, ऑडियो सोर्स पर टैप मारें और डिफ़ॉल्ट इजी माइक्रोफोन सिलेक्ट कर दें, ठीक है। ये बीच वाला आप बता रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, बाकी का आप देख लेना, इतना खास नहीं है ये। और माइक्रोफोन से ही हमको क्यों करने हैं, क्योंकि हमको कोई लेना तो है नहीं कोई एसेसरीज वगैरह, तो हम ओनली फ़ोन से ही कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी का आपका सारा का सारा सेट है, ठीक है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब सिलेक्ट करके रखा हुआ है मैंने, ठीक है। अभी हम बैक आ जाएंगे, बैक आ जाने के बाद आपको स्ट्रीमिंग करना है तो इधर टच मारना पड़ेगा, ठीक है। आपका डायरेक्ट स्ट्रीमिंग हो जाएगा। ये आपका माइक है और ये दोस्त आपका कैमरा है, ठीक है। आप इसको भी ऑफ कर सकते हो टच मार के। और सेटिंग्स आप देख सकते हो कोने में बना हुआ है, इस पर जैसे ही टच मारोगे तो ये आपको फुल प्रीव्यू दिखेगा, कैमरा दिखेगा। लेकिन अभी मैंने कोई लाइव ही नहीं किया है तो प्रीव्यू का क्या करेंगे, ठीक है। तो बस भाई आप इधर टच मारो स्ट्रीमिंग करने के लिए और आपका स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं बस आपको दिखा देता हूँ, जैसे ही इस पर टच मारा तो ये दो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आप स्ट्रीम गेम्स पर जैसे ही टच मारोगे तो ये आपको बोलेगा स्ट्रीम कास्टिंग रिकॉर्डिंग स्ट्रीम लैब्स, तो भाई हम कैंसिल करेंगे क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर रुक जाएगा, आप स्टार्ट नाउ पर कर देना। उसके बाद आपको एक लिख के आएगा क्रिएट इवेंट, ठीक है। क्रिएट इवेंट पर जैसे ही टच मारोगे आपका स्ट्रीमिंग लाइव हो जाएगा। बाकी का आप करके देख लेना, अगर कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में स्क्रीनशॉट दे के भेजूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई इधर पॉसिबल नहीं है, अगर मैं इधर कर देता हूँ लाइव कर देता हूँ तो भाई मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो रुक जाएगा जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट कर देना। बाकी का अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।